बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आप अपने घर में खीरे के पौधे लगाए हुए हैं तो आपने दो तीन काम लाजमी करने हैं। सबसे पहले तो आपने इसके लोअर लीफ की कटिंग कर देनी है, उसके बाद आपने ये वाला जो है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आपने डाल देना है। इसमें नीम खली और चाक दोनों चीज़ें मैंने मिक्स की हुई हैं, ठीक है। इनका मिक्सर मैंने तैयार कर लिया था, वो मैंने लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों को डाल दिया। ये वाला डाल देना आप लोगों ने, इससे पौधे की ग्रोथ में बड़ी जल्दी इजाफा हो जाएगा। दूसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो अपने पौधे की आपने कटिंग करनी है। आपने पौधे पे अपने टॉप एंड पे जाना है और टॉप एंड पे जाने के बाद आपने अपने पौधे के जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसकी आपने यहाँ से इस तरह करके इसको पिंच कर देना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके जो मेन स्टेम के अलावा इसकी बहुत सारी शाखें इस तने के ऊपर निकलेंगी, जहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे फूल आएंगे और उन फूल के ऊपर बहुत सारा फ्रूट लगेगा।